परदेश का पूरे का हिसाब बढ़ जाएगा, कराने का तो जबरदस्त होएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। हमें कितनी दुनिया भर की योजना मिली, इससे पहले हमें कभी कुछ नहीं मिला। बाबा योगी की तो मेहरबानी है। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फरियाद है जी। सफा सरकार बहुत अच्छी चली, ना कोई गुंडागर्दी थी, ना कोई यहाँ भेदभाव था। अगर सपा सरकार आती है तो फिर से माहौल फिर खराब हो जाएगा। हम योगी के खास आदमी हैं पक्के। एक महीने में दो बार राशन मिलता है। तो दिन छिपने के बाद में हम कहीं जा नहीं सके थे, मतलब कोई जच्चा हो या कोई बीमार हो उसे छोड़ने जाना पड़ा था तो मना कर देते सब। इतना डर लगता था। तो इतना सुरक्षा दी है जी? जबरदस्त सुरक्षा। पहले तो लोग बाग अपने छोड़ छोड़ के चले गए यहाँ से जी। परेशान तो थे दिन में भी रात में भी 24 घंटे। अब कोई गुंडागर्दी नहीं। आप रात के 12 बजे हो चाहे दिन में हो, किसी टाइम कोई कहीं भी आ जा सकता है। माहौल कैसा है कराना का? कराना का माहौल तो अच्छा ही है, शांत है अभी। लेकिन कभी 4-5 वर्ष बड़ा हंगामा हुआ। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था यहाँ से। ये था कि अपने बीवी बच्चों को लेकर कहीं कहीं जाकर पड़े थे, जगह जगह फैर हो रहे थे, जगह जगह बंदूक चल रही थी। हाँ। ऐसा माहौल था। क्या आफत थी? यह थी कि जगह जगह बदमाश आ रहे थे। अजी? जगह जगह हाँ बदमाश ही बदमाश थे जगह जगह। हर जगह ये रुके पड़े रहे थे। अब बाहर भी अब तो बहुत शांति है। बहुत क्या, तो पूरी शांति है। अब शांति कैसे हो गई? अपने बाबा योगी की वजह से हो रही है। अच्छा। हाँ, हम योगी के खास आदमी हैं पक्के। खास आदमी? हाँ खास है जी। वो भी कहते हैं हम, हमारा अखिलेश खास आदमी है, अखिलेश के खास हैं हम। जी, हम दुश्मन आगे किसी से नहीं लड़ते। हाँ। हम दुश्मन आगे, लेकिन हम योगी के दीवाने हैं पक्के है। पक्के हैं। किस बात के दीवाने हैं बताओ? हाँ जी, हमें एक आधी योजना मिली हो जी भी। हमें कितनी दुनिया भर की योजना मिली, इससे पहले हमें कभी कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री की योजना से एक मकान बन गया। बाबा योगी की तो मेहरबानी है। गरीबों के लिए मदद की? हाँ, मदद कर रहे हैं जी। गरीबों को राशन दिया है? हाँ, सबको राशन मिल रहा। एक महीने में दो बार राशन मिलता है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गरीबों को मार दिया, भूखा कर दिया। अजी, वो तो दुनिया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है जी। हमें मिल रहा और हमारे पड़ोसियों को मिल रहा, सबको मिल रहा। मिल रहा है? हाँ मिल रहा जी। तो किसकी आ रही है सरकार इस बार? हाँ जी, किसकी आएगी सरकार? हाँ जी, योगी की सरकार आनी चाहिए। योगी? हाँ। अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं जी। वो तो हम तो नहीं गया, इलेक्शन है। तो कह रहे हैं इस बार तो हमने, पिछली बार वो कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए सबके लिए काम किया, इस बार हमारा सरकार आ रही है। जी, हम कहाँ युवा हैं, हमारे तो मैं ही सोच रहे। अखिलेश क्यों नहीं? नहीं, हम अखिलेश को दुश्मन कद बता रहे हैं अखिलेश। नहीं, हमारे यहाँ से तो वही चल रही है। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे जी, जो कुछ करे। क्यों? हाँ, योगी की सरकार आओगी। सरकार योगी की आओगी। क्यों आएगी भाई? एक तो गुंडागर्दी सब खत्म है। किसी का चीज का मतलब, हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चला में। अच्छा, कहाँ से कहाँ चलाते हो? बस ऐसे ही लोकल में, जैसा बुक सुख मार रहा है। तो दिन छिपने के बाद में हम कहीं जा नहीं सके थे। अगर कोई, हाँ जी, मतलब कोई जच्चा हो या कोई बीमार हो उसे छोड़ने जाना पड़ा तो मना कर देते सब। अच्छा। हाँ, इतना डर लगता था? इतना डर लगता था। अरे कहीं हमारे साथ, हमारे कई ड्राइवरों के साथ हादसा हुआ। यही कराने का ही ड्राइवर था, उसे ले जाकर खुरगान के पास में मंडावर के बुक करके लेके शाम को 7 बजे और उसके मुंह में कपड़ा धूस के रात के 11 बजे लाए थे उसे ठाके बनते। अच्छा। ऐसा माहौल था, ऐसा था, गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी थी, इतनी तगड़ी? हाँ जी। अब कोई गुंडागर्दी नहीं। आप रात के 12 बजे हो चाहे दिन में हो, किसी टाइम कोई कहीं भी आ जा सकता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है। कराना भी शांत है अभी? अब बिल्कुल शांत है, सारा माहौल बढ़िया, सब आपस में मिलजुल कर सब रहे हैं। हाँ, पहले क्या दिक्कत थी? बस पहले तो यही दिक्कत थी, जो देखो गुंडा तो गुंडा ही हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कैसा भी हो। हाँ। लेकिन वह गुंडागर्दी अब बिल्कुल खत्म है। खत्म हो गई? बिल्कुल। आ रहा है मोदी? योगी आ रहा है? योगी आवेगा, आवेगा, बिल्कुल आवेगा। अखिलेश नहीं आ रहा? नहीं, अखिलेश नहीं। अखिलेश का थोड़ा मामला ऐसा है कि जो एक आदमी को सपोर्ट कर दिया तो उसके पीछे 70 आदमी सपोर्ट उसी के उसमें हो जाते, सारे नेता बन जाते। अच्छा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदारी उसमें ज्यादा थी? ठेकेदारी ज्यादा थी। क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे जी। सही कह रहे हैं? हाँ, ये माहौल है, कह रहे हैं माहौल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अच्छा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत थी? हाँ, पहले दिक्कत थी। हाँ। पहले गुंडा कर दी थी, हिसाब यहाँ बिल्कुल खराब हो रहा था। और जब से योगी जी आए हैं प्रदेश का पूरे का हिसाब बढ़ जाएगा, कराने का तो जबरदस्त होगा। हाँ, यहाँ कोई किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। पहले अखिलेश सरकार में सपा सरकार? हाँ, उसमें बेलगाम था, सब सिस्टम सब खराब था मामला। हाँ, बिल्कुल भ्रष्ट था मामला। ना कोई अधिकारी का कोई मामला था, ना किसी नेता का कोई मामला था, कुछ नहीं था, सब खत्म था। लेकिन आपके यहाँ तो हिंदू इतना परेशान हुआ था, पलायन किया था? हाँ, पलायन भी किया, उसमें गुंडागर्दी की वजह से। हाँ। उसमें दबाया का पलायन हुआ। अच्छा। हाँ, अब तो बिल्कुल शांत है, कोई प्लान नहीं करे, अब सब वापस आ रहे, जो भी गए हुए थे लोग भी वापस आ गए। हाँ,
अभी वापस आ गए, कारोबार कर रहे अपना। तो इतना सुरक्षा दिए अजी, जबरदस्त सुरक्षा, इसीलिए तो सुरक्षा के हिसाब से तो फाइनेंस के हम। हाँ, जबरदस्त सुरक्षा। अब डर नहीं? हाँ जी नहीं, डर किसी चीज़ का नहीं, डर होता तो फिर बोलते ऐसे थोड़ा ही। अगर पहले दोबारा आपको ऐसा लगता है कि कहीं अगर यूपी में अगर सपा सरकार आती है तो फिर से माहौल फिर खराब हो जाएगा? हाँ उस, हाँ बिल्कुल खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है। क्यों भाई? फिर ऐसा हो जाएगा जी। क्यों हो जाएगा? हाँ क्यों? फिर गुंडागर्दी हो जाएगी। सपा आने का मतलब ही गुंडागर्दी है? हाँ जी जी, योगी सरकार अच्छी है। अच्छी है जी, यही आने अच्छी है जी, ये हमें अच्छी लगी जी, बस कर रहे खा रहे अपना, सुख शांति है अपना। सुख शांति है जी। पहले दिक्कत थी कराना? पहले दिक्कत थी। हाँ। पहले तो लोग बाग अपने छोड़ के चले गए यहाँ से, अब जो जा रहे हैं वो वापस आ गए। पहले ज्यादा परेशान करते थे? हाँ जी। अभी नहीं करते ना? अभी के डर चल रहा है क्या योगी का? हाँ और योगी यही बात है जी। हाँ। यही बात है जी। कौन आ रहा है इस बार? योगी सरकार जी आएगा। हाँ बिल्कुल। अखिलेश तो अखिलेश क्यों नहीं बताओ? अखिलेश क्यों नहीं आने का ही नहीं आएगा? बस ठीक है जी, भाजपा सरकार ठीक है, अच्छी है, टिकाऊ है, अच्छी है, बढ़िया है। हाँ जी, हर आदमी संतुष्ट है योगी सरकार में, पूरे संतुष्ट है। हाँ जी बिल्कुल ओके। क्या नाम है आपका? राम कुमार ही। कैसे देखते हैं पहले कैराना का माहौल क्या था भाई? इससे पहले सपा सरकार थी उसमें यहाँ का कैराना का माहौल क्या था और अभी माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है ये, बढ़िया माहौल है बिल्कुल। कुछ अंतर लगता है पहले के माहौल में और अभी के माहौल में? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? गुंडागर्दी खत्म, सब ओके है, बिल्कुल ठीक है। भैया क्या नाम है? नाम अहमर जी। अहमर भाई पहले यहाँ पे योगी सरकार जैसे आई है, कैसे देखते हैं? कुछ कामकाज हुआ है, कुछ विकास हुआ है, कैसे देखते हैं? कामकाज को बेनिफिट्स हैं सबने, गवर्नमेंट के सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। कैराना में कुछ विकास हुआ है? हाँ प्रोग्रेस है, मानते हैं। हाँ प्रोग्रेस है। तो अच्छा, कुछ माहौल में अंतर हुआ? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एक माहौल रहा 2016 में, उसके बाद जब सरकार बदली उसके बाद में पहले में और अभी माहौल में क्या अंतर देखते हैं? माहौल बेहतर है। माहौल बेहतर जी, पुलिस प्रशासन थोड़ी अलर्ट है। सख्त हो गया है? सख्त नहीं है, अलर्ट कह सकते हैं, अलर्ट थोड़ा सा अलर्ट है यानी के। अच्छा। जी पहले बहुत कम होता था लेकिन अब बेहतर है। बेहतर जी। युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया, आपको क्या लगता है क्या अच्छा किया है? बेहतर मानते हैं कि गुंडागर्दी पिछली बार? नहीं अच्छी बात है, गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो बस जी होनी भी चाहिए हर जगह पे पूरे। पहले आप भी परेशान थे उससे, आप भी प्रताड़ित थे जो पहले सपा सरकार में गुंडागर्दी होती थी यहाँ पे? जी परेशान तो थे ही, दिन में भी रात में भी 24 घंटे। क्या होता था ऐसा पहले? बस यहाँ से प्लान कर रहे थे, पर्चे भेज रहे थे जी दुकानदारों को, जो किराना स्टोर वाले वगैरह इनके पास, इनसे पैसे मांगे थे जी। अच्छा, खुलेआम मांगते थे? खुले जी, बहुत बुरा हाल आ गया यहाँ तो। कितने 2-3 तो एनकाउंटर भी हुए। एनकाउंटर हुए मतलब हत्या हुई थी? नहीं जी एनकाउंटर। अब हुए हैं एनकाउंटर? नहीं जी, नहीं जी पहले तो हुए। पहले मतलब हत्या की गई थी पहले? एनकाउंटर। हाँ एनकाउंटर। किसने एनकाउंटर किसने किया था मनु नहीं पता जी, अखबार यार वो हत्या बोलते हैं उसको, हत्या। अच्छा, अभी क्या माहौल है कैराना? अब तो बस सही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद फरियाद है जी। कैराना क्षेत्र से? हाँ कैराना क्षेत्र। कैसे देखते हैं कि एक इससे पहले 2016 में आपके यहाँ सपा की सरकार थी, उसके बाद में 17 में योगी सरकार यहाँ पे आती है, कुछ योगी सरकार सपा सरकार बहुत अच्छी चली? हाँ। ना कोई गुंडागर्दी थी, ना कोई यहाँ भेदभाव था, ना कोई हिंदू मुस्लिम था, ना कोई यहाँ से गया। हाँ। सब यही है। हाँ। बीजेपी में सरकार किसान सबसे ज्यादा परेशान है। हाँ। देखो आप दिल्ली जाओ, कितना किसान पड़ा, कितने दिन हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ।